नमस्कार साथियों, आज आप लोगों की कड़वी सच्चाई में आप लोगों के सामने विथ प्रूफ में रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये वीडियो ओपन करके यहाँ तक आए गए हैं तो एक वीडियो देख लीजिए। ये बंदा रियल की कहानी बता रहा हूँ मैं। ये बंदा राजस्थान में मेरे पास चूरू जिले का है। नाम तो अभी आपको पता यार नहीं बता सकते क्योंकि कानूनन गलत होता है। हालांकि लोग तो फोटो दिखाना, लेकिन वो गलत हो जाता है। हाँ, फर्जी लोगों का दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदमी हमें डॉक्यूमेंट सेंड करता है, फीस देता है और हमें बात करता है, तो उसका तो शेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो इनलीगल एक्टिविटी में आता है। तो आज हम बात करेंगे रियलिटी में। एक बंदा दुबई में आज से कुछ टाइम पहले 2015-16 की अगर बात करें तो स्वीट मेकर के जॉब में काम कर रहा था। कितनी तनख्वाह थी? लगभग 2600-2700 दराम तनख्वाह ले रहा था, यानी 50,000 रुपये इंडियन करेंसी मान सकते हैं। वो बंदा इंडिया आ गया। अभी वो उस बंदे के 10 ऑफर लेटर, जी हाँ, उस बंदे ने मुझे 10 ऑफर लेटर अलग अलग देशों के भेजे हैं, सबको उसने पैसे दे दिए। आप सोचिए, लेकिन ये नहीं खरीदना। इस अगर ये बुक किसी के पास होती, हालांकि मैं बीच में काट के बता रहा हूँ, आप सब लोगों को पता है इस बुक के बारे में, लेकिन आप इसको नहीं खरीद सकते क्योंकि इसका पैसा लगता है। अब इस बंदे की हकीकत सुन लीजिए। हालांकि ये बंदा तेज नहीं है बेचारा, ठीक ठाक बंदा है, इसको इतना नॉलेज नहीं है। इस बंदे ने मुझे फीस डाली, हालांकि बुक इसको सेंड कर दी गई है। उसने फिर धीरे धीरे डॉक्यूमेंट डालने शुरू किए। दुबई से रिलेटेड हम बात करेंगे। इनके पास एक दुबई का डिनाटा कंपनी के नाम से एक ऑफर लेटर इनको भेजा गया, और उसमें देखिए ऑफर लेटर सही हो सकता है। अगर 4 साल पहले जो बंदा 2700 रुपये ले रहा है दुबई में, 2700 दराम उसको तनख्वाह दी गई, 3800 दराम तनख्वाह दी गई, चलो 3800 ठीक है, मान लो मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2600-2700 रुपये तो ये पहले ही ले रहा था। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? एजेंट लोग इतने हरामी हैं, तनख्वाह बढ़ा के दे दी। यानी बंदा कितना पैसा कमाएगा, आप समझ रहे हैं ना, लगभग 70-80 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह दे दी। ठीक है जी, दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बंदे से देखिए किस किस नाम से पैसे लिए गए। 5,000 रुपये मेडिकल के नाम से लिए गए, जी हाँ, कि आपका मेडिकल होगा। 1,550 रुपये इमिग्रेशन के नाम से लिए गए, जी हाँ। 9,000 रुपये ड्रेस के नाम से, कि आप यहाँ आओगे तो हम आपको ड्रेस वगैरह करवा के देंगे, तो 9,000 रुपये ड्रेस के नाम से ले लिए गए। 10,000 रुपये इसका चार्ज ले लिया गया ऑफिस का, कि हमारा ऑफिस का चार्ज है, 10,000 रुपये हम कमीशन लेंगे, वो देंगे, देना होगा। 12,500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, जो आप दुबई पहुँच के आपको वापस मिल जाएगा। यानी अगर एवरेज इनको देखा जाए तो लगभग 38,000-39,000 रुपये इस बंदे ने एजेंट को दे दिए। ये बंदा यहाँ नहीं है, सीकर में इसने मेडिकल करवा लिया, पंजाब में, मैंने दूसरे चैनल पे इनका वीडियो डाला है, कनाडा से रिलेटेड दो जगह इन्होंने पैसे दे दिए, एक और देश है शायद, वहाँ के नाम से पैसे दे दिया। बताओ, मैंने बोला रे भाई, अब पैसे आप लोगों के ठगे जाते हैं, दुख मुझे होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप समझ रहे हैं बात को? तो ये देखिए कितने हरामी लोग हैं, इनसे बचना जरूरी है भाई। इस बंदे को मैंने ये बुक भेजी है, मैं बोला आप सौगंध खा लो कि इस बुक के अलावा कहीं नहीं जाओगे आप, इस बुक को पढ़ना, और इसमें जो एड्रेस, मैन पावर, ऑफिस वगैरह जो भी डिटेल है इसको पढ़ दो, इसको फॉलो करने के बाद में अगर ठगे जाओगे तो मैं देख लूँगा, इससे जिम्मेदारी और ज़्यादा क्या ले सकते हैं भाई। इस बंदे के साथ में 10 बंदे और थे जो कनाडा के नाम से 31,500, तो दूसरे भी जो जॉब एडवाइज अशोक LLB यूरोप से रिलेटेड हम बात करते हैं उस पर वीडियो डाला है इनका, 10 लोगों से 31,500 रुपये ऑफिस वाला ले चुका है कनाडा के नाम से, मात्र 31,500 में कनाडा भेज रहा है। अब बताओ क्या होगा आप लोगों का जो विदेश जा रहे हैं। इंडिया में रोज 1 करोड़ रुपए की ठगी होती है, सालाना 25 लाख से ज़्यादा लोग विदेश जाते हैं। आप यकीन मानो कि अगर 25 लाख जाने वाले हैं तो इंडिया में ठगने वाले लोग कितने हैं? 4 गुना तो ज़्यादा होंगे ना, जो कोशिश करते हैं लेकिन ठगे जाते हैं, वो जा नहीं सकते। 1 करोड़ रुपये मेरे एवरेज के हिसाब से 1 करोड़ लोगों की सालाना ठगी होती है, पर मंथ 1 करोड़ रुपये की ठगी होती है। आप कैलकुलेट करना भाई। अब ये बुक आपको महंगी लगेगी क्योंकि इसके 1,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको, लेकिन एजेंटों को आप इस बंदे ने दिए। हालांकि ये बंदा एकदम सीधा बंदा, इससे मेरी बात हुई थी। अब क्या कर सकते हैं? तो भाई सावधान रखो, सावधानी बरतो, डॉक्यूमेंट आए चवनी मत दो, डॉक्यूमेंट चेक करवा लो, आप अपने स्तर पे कर लो, एम्बेसी में कॉन्टेक्ट कर लो, जानकार है उनके पास कर लो, समझ गए बात को, और मैन पावर ऑफिस से सौगंध खा लो, मैन पावर ऑफिस से ही अप्लाई करना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो बस ये अपडेट देनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।